देखिए गाइस, थोड़ा सा हमारा जो देखिए पूरा ठंडा हो गया है, हमारा फिर करेला हो गया है। अब इसको हम फटाफट भर लेते हैं, क्योंकि जल्दी है। चलिए गाइस, इसको हम फटाफट भर लेते हैं। गाइस, हमारा करेला बन के तैयार हो गया है ये अच्छी तरह से। जो शुगर वालों के लिए है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर बहुत तेज डेली आप करेला खा सकते हैं। और इसके लिए गाइस हम धीमी आँच पे थोड़ा 5 मिनट के लिए सेकेंगे, स्टीम करके फिर छोड़ देंगे, फिर ठंडा आएगा। तो आप गाइस इसको कभी भी खा सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारे पर देखिए गाइस। हमारा गर्मा करेला बहुत स्वादिष्ट अच्छा गाइस, तो बिल्कुल खाली नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस रखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बात करता हूँ तो आज गाइस भरमा करेला बनाएंगे फ्राई करके। तो गाइस देखिए, मैंने गाइस छोटे छोटे ले लिए हैं, अंदर से इसका बीज निकाल दिए अच्छी तरह से सारा। और इसको हम धो लेते हैं फटाफट। गाइस मैंने 5 प्याज ले लिए, 5-6 छोटे मीडियम साइज के। अब इसको हम फटाफट बारीक बारीक काट देते हैं अच्छी तरह से। गाइस हमने प्याज काट लिए, टमाटर 3 काट लिए बड़े बड़े। तो गाइस देखिए, हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम डालेंगे सरसों के तेल में, ग्रेवी बनाएंगे इसका। तेल गरम होने देते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा सरसों का तेल गरम हो गया। अब इसमें हम प्याज डाल के भून देते हैं। तो देखिए गाइस, हमने डाल दिया। इसमें हम नमक डाल देते हैं गाइस, क्योंकि हमारा प्याज भर जाएगा अच्छी तरह से। आपको गलाना है प्याज। तो देखिए गाइस, हमारा प्याज सीख गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो देखिए गाइस, तो देखिए गाइस हमारा प्याज गल गया है। इसमें धनिया डालते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं। देखिए गाइस, अदरक लहसुन हरी मिर्च इसको फटाफट हम इसमें कूट लेते हैं। देखिए गाइस, हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अच्छे से इसको भून लेते हैं। हमने तेल चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। अब करेला फ्राई करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा करेला फ्राई हो रहा है। इसको हम पलट पलट के कम तेल में उठाएंगे इसको। तो देखिए गाइस, हमारा करेला फ्राई निकल गया है। इसको हम उतार देते हैं अच्छी तरह से, बहुत इसमें गाइस ठंडा हो जाएगा। तब तो हम जो मसाला ग्रेवी भरे हैं, फिर इसमें हम भरेंगे अच्छी तरह से। फिर गाइस हमने छन्ने में रख दिया है, तेल झर जाएगा अच्छी तरह से। तो फिर इसको गाइस हम भरेंगे पूरा बढ़िया से। ग्रेवी ठंडा हो रहा है, फिर ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से। तो फिर आप लोग को भर के दिखाएंगे। देखिए गाइस, अच्छी तरह से हमारा ग्रेवी पूरा ठंडा हो गया है, हमारा फिर करेला हो गया है। अब इसको हम फटाफट भर लेते हैं, क्योंकि जल्दी है। चलिए गाइस, इसको हम फटाफट भर लेते हैं। गाइस हमारा करेला बन के तैयार हो गया है ये अच्छी तरह से। जो शुगर वालों के लिए है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर बहुत तेज डेली आप करेला खा सकते हैं। और इसके लिए गाइस हम धीमी आँच पे थोड़ा 5 मिनट के लिए सेकेंगे, स्टीम करके फिर छोड़ देंगे, फिर ठंडा आएगा। तो आप गाइस इसको कभी भी खा सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारे पर देखिए गाइस। हमारा गरमा करेला बहुत स्वादिष्ट अच्छा गाइस, तो बिल्कुल खाली नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस रखते हैं।